हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के जो DIY हैं वो ऐसे DIY हैं जो शायद आपने यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये शायद आपने यूट्यूब पर कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ये मैंने कैसे बनाया इसको जानने के लिए तो फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो फर्स्ट DIY है उसको बनाने के लिए मेरे पास हैं ये छोटे छोटे चार्ट्स, डिफरेंट कलर के चार्ट के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिनके मैंने और भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं अपने हाथ से ही कट करके, जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ। और मेरे पास ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पैरट ग्रीन, रेड और ब्लैक, ये कलर के चार्ट थे। तो मैंने ये 5-6 कलर के चार्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और ये था मेरे पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स जिसमें LED बल्ब आया था, तो ये भी काफ़ी मजबूत है वैसे, पर आप कोई भी इस तरह का बॉक्स ले सकते हैं क्योंकि दोनों साइड से ये बॉक्स ओपन होते हैं। तो मैंने एक साइड से इसको परमानेंट इस तरीके से अच्छे से क्लोज़ कर दिया है पेपर टेप लगा के, कि जिससे ये वन साइड ओपन रहे और वन साइड इसकी परमानेंट क्लोज़ हो जाए। तो देखिए, परमानेंट क्लोज़ मैंने पेपर टेप की हेल्प से इसको अच्छे से टाइटली इसको यहाँ से पेस्ट करके और इसको क्लोज़ कर दिया है। और ये है मेरे पास जो वॉल पुट्टी होती है, वॉल पुट्टी का मैंने पेस्ट बनाया है, थोड़ा थिक पेस्ट है। और स्पून की हेल्प से देखिए, उल्टा स्पून करके मैंने उसकी हेल्प से इसमें मैंने इस तरीके से जिसके जो इसके फेसेस हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स है कार्डबोर्ड, तो इसके जो फेसेस हैं उन पे मैंने पुट्टी लगाई है स्पून की हेल्प से लगाई। आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, फिंगर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे जो पेपर या जो आप कह सकते हो कि चार्ट, कलरफुल चार्ट के जो छोटे छोटे पीसीज हैं, ये मैंने इस पर इस तरीके से पेस्ट कर दिए हैं। और गीला गीला पुट्टी है तो आराम से ये बहुत अच्छे से इस पर स्टिक भी होते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा लगाओ और उसको हल्के से प्रेस कर दो। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान भी करना है कि आपकी फिंगर से वाइट पुट्टी, ये पेपर जो है, इनके ऊपर इनके फेस पर ना लगे, वाइट वाइट लगेगा अदरवाइज़ तो वो। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कलरफुल चार्ट पेपर के छोटे छोटे पीसेस चारों फेसेस पर लगा दिए और पेस्ट कर दिए। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया। और उसके बाद मैंने इस पर मॉड अप्लाई कर दिया। मॉड के बेनिफिट्स तो सबसे पहला तो ये, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कैसे बनाए जाते हैं ये मैं आपको बिल्कुल किसी वीडियो में बताऊंगी। और आप भी अगर जानना चाहते हैं जल्दी से जल्दी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मॉड अप्लाई करने के बाद इसमें बिल्कुल शाइन आ जाती है, वाटर प्रूफ हो जाता है, इजीली क्लीन हो सकता है और बहुत मजबूती आ जाती है। पेपर निकल कर भी कभी भी नहीं आएगा आपका, ये टूट जाएगा फ्लावर वॉश, लेकिन पेपर निकल कर नहीं आएगा। इसकी आउटर बाउंड्रीज पर भी मैंने थोड़ी सी पुट्टी लगा दी। तो देखिए कितना शाइनी ये मेरे पास एक फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो गया। और फिर अंदर मैंने एक्राइल पेंट अप्लाई कर दिया। मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया, आप अच्छे से करना चाहे अच्छे से कर सकते हो, मैंने हल्का हल्का किया है। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो कलरफुल पेपर जो लगा हुआ है उन कलरफुल पेपर के चारों तरफ मैंने सिल्वर पेंट से इस तरीके से बाउंड्री कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हर पेपर पीस के चारों तरफ मैंने इस तरीके से रफली, बिल्कुल इस तरह से रफ है और इस तरह से मैंने बाउंड्री कर दी है सिल्वर पेंट से। उसके बाद तो ये इतना सुंदर लग रहा था, ये बहुत ही सुंदर, वाटरप्रूफ, इजीली क्लीनेबल। आप किसी भी गीले कपड़े को टाइटली निचोड़ के, कॉटन के कपड़े को आप इसे साफ कर सकती हैं। ये बहुत ही मजबूत हो गया है, वाटरप्रूफ हो गया है, बहुत ज़्यादा शाइनी हो गया है और एक बिल्कुल डिफरेंट रॉयल लुक के साथ आपके सामने एक बहुत ही सुंदर फ्लावर वॉश बनकर तैयार हो गया है। तो इसका फाइनल जो गेटअप है देखिए, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरे ख्याल से आपने आज तक किसी भी वीडियो में, किसी भी चैनल पर आपने नहीं देखा होगा। तो देखिए, बहुत ही सुंदर एक फ्लावर पॉट बनकर हमारे सामने तैयार हो गया। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, वेरी 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 ब्यूटीफुल इट वॉज लुकिंग। तो ये तो आपके सामने बिल्कुल लाइव है और ये रियल में तो इतना सुंदर लग रहा है ना। फिर देखो, इसमें आप फ्लावर्स रख सकते हो, आपके पास ज़्यादा बड़े पेन पेंसिल है वो रख सकते हो, इस तरह से आप पेंसिल बॉक्स भी बना सकते हो इजीली। तो मैंने आपको बिल्कुल ये दो ही फ्लावर की ब्रांचेस रख के दिखाई हैं और बाद में मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब देखिए, ये था मेरे पास सेकंड DIY का मटेरियल। ये भी मैंने एक फ्लावर वॉश ही बनाया, लेकिन इसके लिए भी सेम मैंने वही प्रोसेस किया। ये भी मेरे पास LED के कार्टून थे, कार्टून में मैंने एक साइड से इसी तरीके से मैंने पेपर टेप लगाया जिससे कि इसका वन साइड परमानेंट और टाइटली क्लोज हो जाए। तो इस तरीके से मैंने पेपर टेप लगाने के बाद सेम वही वाइट पुट्टी का यूज़ किया और वाइट पुट्टी को इसके सरफेस पर, चारों फेसेस पर अप्लाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्पून। तो आप देखते रहिए किस तरीके से मैंने अप्लाई किया। देखिए,
थोड़ा सा मोटा कोट कर दिया है। आप हल्का सा इसको थोड़ा सा ब्रश से गीला करना चाहो कार्डबोर्ड को तो आप इसको गीला भी कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया है। तो मैंने इस तरीके से स्पून की हेल्प से ये इस तरीके से चारों फेसेस पर पुट्टी अप्लाई करने के बाद देखिए बहुत एक तरफ सा एक वुडन सा इसका सरफेस हो गया है। और ये है जो मैंने CD और DVD की जो पीसीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि किस तरह से मैंने कट किए थे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार और दे दूंगी आपको, तो आप वहां से देख लीजिए कि CD को किस तरह से कट किया जाता है, कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो डिफरेंट जो शेप्स उस दिन मैंने कट की थी वो सभी शेप्स मैंने रफली इस पर इस तरीके से स्टिक कर दी। और स्टिक करने के बाद मैंने इसको एक प्लेन सरफेस देने के लिए, क्योंकि उभरी हुई थी थोड़ा सा, लेकिन मुझे इसके साथ ही अच्छे से फिक्स करने थे, तो मैंने दोबारा से फिंगर की हेल्प से ये वाइट पुट्टी से अच्छे से इसको कवर कर दिया। और फिर मैंने इनको लगभग आधा और पौन घंटा मीन 30 और 45 मिनट्स के लिए लगभग इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। तो ड्राई होने के बाद देखिए ड्राई हो गया, और मैंने फिर लिया सैंड पेपर, जिसको आप रेगमाल भी बोलते हैं हिंदी में, सैंड पेपर की हेल्प से मैंने इसको बिल्कुल इस तरीके से स्क्रैच किया। और देखिए हर ये कांच जो मैंने जो CD और DVD के जो पीसेस थे वो बिल्कुल शाइन के साथ निकल कर आ गए हैं, और ये अलग से फिर मेरे पास एक सुंदर सा प्यारा सा बहुत ही रेयर DIY बनकर हो गया तैयार। और आप देख सकती हैं ये DIY भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत शाइनी लग रहा है, और अंदर से मैंने वाइट पुट्टी का ही इस पर एक कोट कर दिया था, तो अंदर से भी देख रही है वाइट है, थोड़ा सा थिन मैंने वाइट पुट्टी लिया और उसको इसके अंदर स्प्रेड कर दिया। और ये देखिए इस पर भी मैंने वही फ्लावर की बंच लगा दी जो पहले लगाई थी, और ये फ्लावर भी मेरे हैंडमेड हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि ये वाटरप्रूफ फ्लावर्स कैसे बनाए और बिल्कुल ओरिजिनल लुक के साथ किस तरह से ये वाटरप्रूफ फ्लावर बनाए गए, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे ये दोनों DIY फ्लावर वाश आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगेन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए आइकन बेल प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ बी सेफ।